आप सबनन दासी प्यार भरी जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास जी। बाणी बारहवां बाबत महीना फगन सतगुरुदास महाराज जी के एक ओंकार सतगुरु प्रसाद चढ़िया फगन मास जब सुंदर बाग बहार बुलबुल मस्त बहार पर बंवरा पई गुलजार निवन फल बहु बाग में गल गल आम अनार चढ़िया फगन मास जब फूली सब गुलजार धरती सब हरियावली सुंदर बाग बहार बुलबुल मस्त बहार पर भंवरा पई गुलजार निवन फल बहु बाग में गल गल आम अनार सहज श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन अते पवित्र दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत्संग जीओ सारियां ही संगतां नूं दस वल्लों जय गुरदेव। अज असी सारियां ही संगतां फगन महीने दी संक्रांति दे उपर गुरु घर विच जुड़ बैठियां हां। थोड़े ही दिन पहला साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन दुनिया भर में बड़े चावां ते सदरां दे नाल मनाया गया। गुरु जी का जन्मदिन इन्हां दिनां च ही आंदा है चाहे फगन महीने की संक्रांत तो चार पंज दिन पहला आ जाए जां पांच सात दिन हट के आ जाए। इस बसंत ऋतु दे विच ही गुरु जी का जन्म हुंदा है। एक दिन मैं सोच ही रहा सी कि इस सारा कुछ कुदरत ने मिलाया होया है। जिस तरह अजकल बसंत ऋतु दे विच फगन महीने दे विच सर्दी ओ कोरे दे नाल ओ ककर दे नाल पत्ते चढ़ गए सन ते ओ नवे पुंगारे निकल दे ते नाल ही बूर निकल जांदा है। अंबां दा अनारां दा गलगल दा बहुत सारे फ्रूट जेड़े साडे इलाके दे विच लीची भी हुंदी है उहदा इस सारे फ्रूटां दा नाल ही
बूर निकलदे, फल पहना शुरू हो जाता। गुरु जी का भी जन्म उसे ही समय होया जदों पापां दी कोर ककर ने पाले ने जनता का बुरा हाल कर दिता, ते गुरु जी वर्गी ताकत पैदा हुई, ते उन्होंने दोबारा पुंगारा लिया। गुरु प्यारी सत्संग ये महीना वाकया ही बड़ा सुहावा महीना। गुरु अर्जन सतगुरु रविदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि फग्गन महीने च फुल्ली सब गुलजार, धरती सब हरियावली, सुंदर बाग बिहार। थोड़ी जी हरियावली हुई ते नाल ही खेड़ा खिड़ गया, पुंगारे निकलने शुरू हो गए। थोड़े ही दिनों दे विच असी देख रहे हाँ वर्ल्ड पीस दे थोड़े दिन पहला ही फुल लगाए तो फुलां नूं फुल आण वी लग गए। कुछ मौसम ही इस तरह का। जदों ये जो बनस्पति है हरी परी हो जाती है, उदे नाल ही जिहड़े पंछी ने बुलबुल है क्योल है, बुलबुल मस्त ही झूमदी है क्योल गीत करदा गांदा ते पौरा पू पू करदा फुल्लां ते बैठदा। गुरु प्यारे सत्संग जी ये जेड़ा महीने दा जो महत्व गुरु जी ने कहा है बिल्कुल मनुखी चोले नाल कहा। ये मनुखी चोला बहुत जूना परमन तो बाद बड़ा पाला सहन तो बाद जम्मन मरन दा पाला नरकां दा पाला चौरासी दे पाले तो बाद मनुखी चोला मिलिया। बड़ा हरियावला महीना मिलिया इस जिथे हरियावला महीना खुशियां भरिया महीना उथे एक गल सानू महापुरशां ने कही के इस मनुखी चोले दी संभाल भी करना है किते एवें ना इनू गवा देवे। फग्गन महीना जिथे बड़ा सहावा महीना है ना उथे नाल पुरानी एक कहावत दे नाल जुड़ी हुई सी। वो कहावत सी फग्गन नहीं सी जान दी ते पारक नाला सान दी। फग्गन नहीं सी जान दी पारक नाला कनाला क्या है परात नूं पहले समयां दे विच जदों एग्रीकल्चर ने इतना इतनी तरक्की नहीं सी कीती हुई, फसलां कट ही हुंदियां सन ते अजकल आकर के तकरीबन बड़े बड़े वड्डे जिमींदारां दी वी दाने खत्म हो जांदे सन ते कहिंदे के उदों ते तुसीं बड़ियां परातां भर भर के सांदे रहे उदों थोड़ी बचत कर लैनी सी। गुरु जी दे कहिण दा भाव इत्थे इह है कि इन्हां सवासां नूं अजाई नहीं जान देना, इन्हां दी भी संभाल कर लेना, एवें भी अर्थ ना जिंदगी किते चले जावे। इस जिंदगी नूं किसे लेखे ला लेना, इस सुहावी जिंदगी जो सानू मिली है किते हत्थां तों एवें ना चली जावे, किते पौधे पारे ना जिंदगी खत्म हो जावे,
जिस मकसद ले सानू इंसानी चोला मिलिया है असी ओ कम करके जाना है। मालक दी भगती करनी है, नाम दा सिमरन करना है। नाम दे सिमरन दे नाल की हुंदा है, जीवन बदल जांदा है। गुरु जी ने अपनी बाणी दीयां अगलियां पंक्तियां च बड़ा सुंदर कहा है। गुरमुख गुर की शरण गए, करते खूब विचार, सतगुर के परताप कर समझे सार असार, करके दृढ़ उपदेश गुर पवनिद उतरे पार, मंद पाग बिन सत गुरां डुबन पब निदता, गुरमुख गुर की शरण गए, उतरे खूब विचार, सतगुर के परताप कर समझे सार असार, करके दृढ़ उपदेश गुर पवनिद उतरे पार, मद पाग बिन सत गुरां डुबन पब निदतार। गुरु जी अपनी बाणी दे विच कह रहे ने, गुरमुख गुर की शरण में करते खूब विचार। असी जो सत्संग विच आए हाँ, जो सतगुर रविदास महाराज जी की बाणी दे विचार सुन रहे हाँ, इन्हां नूं दिलां च बिठा लेना है। ये नहीं है कि इधरों सुन के इधर कढ देना। जदों असीं सतगुरु जी दी बाणी नूं अपने जीवन च अपना लैंदे हां, उन्हां दी बाणी नूं अपने जीवन दा आधार बना लैंदे हां, सानूं दुनिया दे सच दा पता चल जांदा है। सानूं जिंदगी जीण दी कला आ जांदी है। गुरु प्यारी सत्संग जीओ, कल ही कुदरती ही चार पंज नव व्याहे जोड़े आए, कोई कितों दा दसी कोई कितों दा, सारे इकट्ठे बैठ गए। माजरे तो एक परिवार सी, बीबी कहन लगी इन्हां बच्चियां नूं कोई आशीर्वाद दवो, मैं बच्चे पढ़े लिखे ने सारा कुछ जानदे ने।
मैं उन्होंने गल कर रहा सी कि बेटा तुहानू आशीर्वाद दवान लई लियांदा गुरु घर च लियांदा। ये नहीं है कि इत्थे मत्था टेकोगे ते तुहाडा कल्याण हो जाना है, सगो गुरु जी दी जो बाणी है उन्हों जीवन च अपनाना है। जदों असी जीवन च अपना लवांगे साडा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। पहली ते गल है विच मैं नहीं रखनी, ईगो नहीं रखनी। सतगुर रविदास महाराज जी ने साडे ते बड़ी कृपा कीती, इस रिश्ते नूं बड़ी महानता दित्ती है। गुरु जी ने कह सह की सार सुहागन जाने, ताजी अभिमान सुख रलिया माने। मैं कह गुरु जी ने बहुत उच्चा खिताब दिता है गृहस्थ जीवन, इनू आत्मा ते परमात्मा दे रिश्ते नाल जोड़िया। इस्त्री नू आत्मा कह दिता, पुरुष नू परमात्मा कह दिता। फिर उन्होंने पुरुष नू शरीर कहता ते इस्त्री नू उदी जान कह दिता। शरीर नू माड़ा जिहा दर्द होए ते दुख दी की है आत्मा, शरीर नहीं दुखदा आत्मा दुख दी है। पति नू माड़ा जिहा कष्ट होए पत्नी नू कष्ट होवे। ये नहीं है कि पति ते मुसीबत पई होए तो आके मैनू गहने लिया दे मैनू कपड़े लिया दे, नहीं। पति दे दुख नू समझना ते पति भी वाकया ऐ जान ले मैं शरीर हाँ, वो मेरी आत्मा है। ते शरीर दा मुल तां ही है जे आत्मा होवे शरीर च। शरीर च आत्मा ना होवे ते शरीर दा कोई भी मुल नहीं हुंदा। उन्नू पकड़ के चाह तां जला दिंदे ने, चाह दफना दिंदे ने। इस तरह का रिश्ता असी गृहस्थ च बना के रखना। सारियां दे अगे बेनती है कि इस स्त्री ते पुरुष दे रिश्ते नू असी आत्मा परमात्मा दा रिश्ता बनाना है। जेडे गुरमुख नहीं आंदे, जेडे सत्संग च नहीं आंदे, अगर उन्हां च कदे क्रोध आ भी जाए ते कोई गल नहीं, असी गुरु जी दी शरण च आए हां ना। ते गुरु जी दी बाणी कहिंदी है गुरमुख गुर की शरण में करते खूब विचार। असी रोज गुरु जी दे विचारां नू सुनदे हां, उन्हां दी बाणी नू सुनदे हां। ते बाणी सुन के जे उहदे ते अमल ही नहीं कीता ते बाणी सुनदा कोई भी फायदा नहीं है। असी उन्हां दी बाणी सुन के उहदे ते चलना है, अपने जीवन नू स्वर्ग बनाना है। जो गुरु जी ने कहा ए इस्त्री ते पुरुष दा रिश्ता एक आत्मा ते शरीर दा रिश्ता है, आत्मा ते परमात्मा दा रिश्ता है। ते जिथे आत्मा परमात्मा दे रिश्ते दी गल आ जाएगी ना, वो परिवार फिर स्वर्ग बन जांदे ने। वो परिवार की बन जांदे ने, स्वर्ग बन जांदे ने। साडे ते सतगुरां दी असीम किरपा होई, बड़ी बख्शिश होई, असी गुरु चरणा नाल जुड़े, सतगुर रविदास महाराज जी दी बाणी नाल जुड़े, उन्हां दे शब्द दे नाल जुड़े हुए हाँ, उन्हां दे आशीर्वाद नू प्राप्त करना है। बच्चियां नू मैं कह रहा सी, मैं कह देखो बच्चियो, असी रोजाना ही 5-7 फुलके खांदे हाँ, हजम कर ही जांदे हाँ। उहदे नाल दुध दही चाह फरूट दाल सब्जी सारा कुछ खा के हजम करदे हाँ। ते उत्थे एक दूजे की कोई गल भी हजम करनी चाहे ते कर लैनी चाहीदी। एक थोड़ी सस तेज सही सी तो मैं कह बेटा ससां रोकदियां टोकदियां वी आ। पहला भी मैं कई बारी बेनती कीती
पर चंगी गल तो ही रोक दिया। असी दफ्तर च जाना होवे, टाइम पांच मिनट रह जान, रस्ता जी तीन मिनट का है, ते अगे किते रेड लाइट आ जाए ते किसे नूं भी चंगी नहीं लगदी। पर हुंदी भले लई है, रेड ना लाइट ना होए ते एक्सीडेंट हो सकदा। मैं क्या बेटा, ससां भी रेड लाइट की तरह हुंदियां, रोकदियां रहिंदियां, पर भले वास्ते, बुरे लई नहीं। ते जेड़ियां ससां, मेरी बेनती है, एवें नहीं घड़ी मुड़ी जग जाना, टाइम दे मुताबक। तो जेकर बच्चे समझणगे इह गल नूं, जिहड़े लोग अपने सियाणियां दा इज्जत मान सत्कार करदे ने, उह लोग कदे घाटे च नहीं जे रहिंदे। जिहड़े भी वड्डियां दा, अपने बजुर्गां दा दी सेवा करदे ने, उहनां नूं सेवा दा फल मिलदा है। जितने बजुर्ग हाथ होंदे है ना, उन्हां च उतनी ऊर्जा ज्यादा होंदी है। जदों किते उन्हां दे कोल बैठदे हो, ओ तुहानूं आशीर्वाद दिंदे ने, बहुत वड्डा आशीर्वाद हुंदा है। इस करके असी सतगुरु जी दी बाणी ते चलना है और समझना है। करके दृढ़ उपदेश गुर पावनिद उतरे पार, मंद भाग बिन सतगुर डूबन पावनिद पार तार। गुरु जी कहिंदे ने कि जेडे सतगुर दे उपदेश नूं मन लैंदे ने, जेडे उहनां दी बाणी ते चल पैंदे ने, पावनिद उतरे पार, उह भव सागर तो पार हो जांदा है। भव सागर की है? जदों किते भव सागर दी गल चलदी है, तो साडियां अखां दे अगे बड़ा वड्डा समुंदर दिसण लग पैंदा है, छल्ला मारदा होया। इत्थे गुरु जी ने जिस भव सागर दी गल कीती है, उह दुनिया दा किस कोई समुंदर नहीं है, इह जीवन साडा भव सागर है। गमी खुशी जिदे च हच, गमी खुशी चलती रहिंदी है, जिदे च जीव हच कोले खांदा है। पर जेड़ा गुरमुख बन जांदा है, जेड़ा नाम नाल जुड़ जांदा है, जेड़ा सतगुरु जी दे उपदेश नूं दृढ़ करके मन लैंदा है, सच करके मन लैंदा है, उह गमी खुशी दे हच कोलियां तों बच जांदा है। उह गमी च मन नूं बहुत ज्यादा, मन नूं गम नहीं लगांदा, ते खुशी दे विच बहुत ज्यादा फुलदा नहीं है। खुशी मिल गई तो कहिंदा मालका तेरी बख्शिश हो गई है, तेरी किरपा हो गई मेरे ते। ते जेकर किते गमी आ गई तो कहिंदा ऐ मालका ये भी तेरा ही पाना है, ये गुना जंद है उहदे च। गमी खुशी च हचकोले नहीं खांदा, पर मंद भाग बिन सतगुर डूबन पावनिद तार। कहिंदे ने ओ विचारे अभागे लोक हुंदे ने, जेड़े गुरु दी गल ते नहीं चलदे, जेड़े गुरु दे उपदेशां नूं नहीं मनदे, ओ डूबन पावनिद तार, ओ भव सागर विच डुब जांदे ने। ओही दुनिया दे विच दिसदे ने, पर डुबे ही होए समझ लो, ओ मरे होए समझ लो, उहनां दी जिंदगी च खुशियां नहीं आउंदियां, जो सतगुर दे हुक्म च नहीं रहिंदे। गुरु जी ने बड़ा सुंदर कहा, दुखी दुहागन दोए पखहीनी, जिना निरंतर भगती ना कीनी। जेड़े मालक दी भगती नहीं करदे,
जेड़े गुरु दे हुकम ते नहीं चलदे, जेड़े उना दे सबद दे नाल नहीं जुड़दे, ओ दुना पक्खा तो ही ने रह जांदे ने, ना उना नू लोक विच सुख मिलदा है ते ना उना नू परलोक विच सुख मिलदा है। पर जेड़ियां रूहां गुरु जी दे सबद ते चल पईया, ओ लोक सुखिए परलोक सहेले, वो इस दुनिया च भी सुखी ते अगे भी सुखी। असी उस रहबर दी औलाद हाँ, असी उस रहबर दे सेवादार हाँ, जिन्हां ने लोक सुखी परलोक सुखी दा सानू रास्ता समझाया है, असी उस रास्ते ते चले रहना है। मेरी बेनती रहेगी कि गुरु दे हुक्मां ते चले रहना, उन्हां दे उपदेशां ते चले रहना। असी इस जीवन नू स्वर्ग बनाना है, घर नू नरक नहीं बनाना है। असी गुरु जी दी गल ते चलना है, उन्हां दे हुक्मां दी उलंघना नहीं करनी है। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, सतगुर के प्रसाद हम जानिया आत्म राम, जानन योग सो जानिया निज दाम, मिटिया गमन गुर दिया ते, पाया अब विश्राम, अनेक जन्म दुख पाए कर, आए गुर की शाम, सतगुर के प्रसाद हम जानिया आत्म राम, जानन योग सो जानिया, सो आत्म निजता मिटिया गमन गुर दिया ते, पाया अब विश्राम, अनेक जन्म दुख पाए कर, शाम। सतगुर के परताप हम जानिया आत्म राम। इतिहास विच आया है, जदों चित्तौड़गढ़ दी रानी चाला बाई ने सतगुर रविदास महाराज जी नू गुरु बना लिया, ते जदों वापस आंदी है रानी दे नाल कुछ विद्वान लोग गए हुए सन,
उन्होंने आके राजे दे कन भर दिते, राजा तू राणी नू तीर्थ यात्रा कर लई भेजिया, सानू विद्वाना नू नाल भेजिया, इन कई तीर्थ कीते पर आखर सारा कुछ करन तो बाद जिवें कहिंदे ने खीर बना के विच सवा पा देनी, वो राजा इन हाल कीता है। हां राजा सारी तीर्थ करन तो बाद वो रविदास जी दे चरना च चले गई, उन्नू गुरु बना लिया इसने। इतनी इतने वड़े महापुरुषां तीर्थां दे दर्शन करके गुरु कौन बनाया? रविदास। राजे नूं ऐ गल सुन के थोड़ा गुस्सा आ गया, ते राजे ने उसी वक्त राणी नूं बुला लिया, राणी तू की कीता, तेनूं भले लई भेजिया सी और इतना बुरा काम करके आई। बड़ा गुस्से च है राजा। राणी मुस्कराई, कहिंदी थोड़े शांत हो, पूर्ण गुरु ने एक बारी उन्हां दे दर्शन ते करके देख, फलाने राजे ने उन्हां नूं गुरु बनाया होया है। राणी ने ज्यों ही निम्रता से उन्हां नाल गलबात कीती, थोड़े जे राजा डाउन आ गया। डाउन आया तो कह लगा फिर तू बुला उन्हां नूं, कहिंदी मैं बुलावांगी। गुरु जी नूं राणी चाला ने बुलावा भेज, गुरु जी आ गए। राजे दा पंडाल सज्जिया होया, तरह तरह दियां गल्लां चल रहियां ने। ओ लोक कर्म कांडां दी गल करदे ने, गुरु जी शब्द अभ्यास दी गल करदे, आखिर प्रभु ते गल आके टिक गई। राजा कहिंदा कि हां मेरी धर्म पत्नी राणी चाला ने तुहानू गुरु बना लिया, मैं भी तुहानू गुरु बना लांगा, पर साथ साथ मैनू प्रभु दे दर्शन जे करवा दे। ऐ दसो प्रभु किथे है ते उन्नू किस तरह मिलिया जा सके, तुसी मैनू ओहदे नाल मिलाओ। गुरु जी कहिंदे हां मैं मिलावांगा राजा। गुरु जी कहने सोचन लगे मैं कैसी चीज दसा कि रब ऐ चीज है। बड़ी सोच तो बाद गुरु जी कहते हैं राजा एक कटोरे च दुध मंगवा। राजे ने सोचा काफी देर का आया, भूख लग गई होनी है, उन्हें एक अपने संतरी नु कहा कि जाओ एक दुध का प्याला लै। उन्हें दुध का कटोरा भर के लैन दा, लो गुरु जी नु आके देता। गुरु जी कहिंदे राजा ये दुध दे विच क्यों कुछ प्या होया, ऐ मैनु कुछ लभ रहा दुध च। उन नौकरां नु कहा कि साफ लियाउणा सी, कहिंदे साफ ही है महाराज, ये पता नहीं की वहम हो गया, कहिंदा रस्ते च कुछ पै गया होएगा, जाओ चेंज करके लै। उधर दुध लै गए, चेंज करके दूजा लैन दा, जो लिया के रखिया फिर वो ही कह लगे कि राजा ये दुध दे विच कुछ प्या होया। वो कहिंदे है देखो की प्या, तुहानू क्या साफ लिया है? जी साफ ही है दुध। एक वजीर गया, उन वेख्या साफ सी दुध, कहिंदे दुध बिलकुल साफ है, इन्नू पता नहीं की गलती लग रही। राजा गुस्से च आ पा गया, वेख्या दुध बिलकुल साफ है, कहिंदा साफ तो है, इहदे च की है? कहिंदे राजा वेख कुछ है, कहिंदा कुछ नहीं है। राजा ने इहदे विच कुछ है, कहिंदा कुछ नहीं। रविदास तैनू कोई वहम हो गया, कहिंदा राजा मैनू वहम नहीं होया, इह दुध दे विच कुछ। कहिंदा की है तू दस? कहिंदा इस दुध दे विच घिओ है,
पर तेनू दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरह हवा अनुभव की जाती है दिखाई नहीं दिंदी, इसी तरह मेहदी दे पत्तियां च रंग है अनुभव है वह जुगती दे नाल चाड़िया जांदा है। दुध दे विच क्यों है जुगती दे नाल मिलदा है। गुरु जी ने बड़ा सुंदर बाणी च कहा गिरत कारण दद मथे सियान जीवत मुक्त सदा निर्वाण कहे रविदास परम विराग रिदे रामना जप से अपाग। जिस तरह दुध दे विच क्यों है इसी तरह साडे अंदर परमात्मा। पर राजा दुध नूं क्यों नूं प्राप्त करन दे लई दुध नूं पहला काढ़ना पवेगा, फिर खट्टा लगाना पेगा, फिर जगेरन लगाना पेगा, फिर दही बनेगा उन्हूं रिड़कना पवेगा, रिड़कन तो बाद उहदे चों मक्खन आएगा, फिर मक्खन नूं गर्म करना पेगा, उहदे चों लस्सी पानी सारा कुछ जलाना पड़ेगा। ते निर्वैर क्यों अलग कीता जा सकता है, फिर क्यों दी किस्म दुध तो बिल्कुल वक्री नजर आएगी। राजा दुध सवेरे चो वो सामने खराब हो जाता है, एक क्यों जितनी देर तक मर्जी प्यारे खराब नहीं हुंदा। दुध दे विच नमक पाओगे कुल जाएगा, कदी क्यों दे विच नमक पा के देखना कदे नहीं जे कुलदा। दुध दे विच कागज पाओगे गल जाएगा, घ्यो दे विच कागज पाओगे लाइफ वध जावेगी। जिस तरह वो दुध दे विच क्यों है जुगती दे नाल जानिया जांदा है, इसी तरह हर एक च परमात्मा है। राजा वो भी जुगती नाल जानिया जांदा है। आ मैं तेनू वो जुगती दसदा हाँ। इस तरह सिमरन कर तो जिस तरह दही नू रिड़कन नाल मक्खन उपर आ जांदा है, नाम दा सिमरन करन दे नाल राजा तेरी लूलू विच रमी हुई आत्मा शरीर तो सिमट के ऊपर आ जाएगी, फिर इत्थे तू ध्यान दी अग्नि तेनू टिकाण। जदों असी अंतर ही अंतर ध्यान टिकांदे हां ते पहला तां हनेरा ही नजर आएगा, आस्ता आस्ता साडे अंदर प्रकाश प्रगट हो जांदा है। जदों उस प्रकाश नूं इस ने देखिया तो ये बोल उठती है आत्मा, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है अपने आप नू जान अपने आप नू समझ। तो गुरु प्यारी सत्संग जीओ जेड़ा गुरमुख है वो समझ जांदा है। सतगुर की कृपा दे नाल सतगुर के प्रसाद हम जानिया आत्म राम। गुरमुख ने उस परमात्मा नु जान लिया समझ लिया, उन्नु पता लग जांदा है रब कोई बाहर मिट्टी दा जा पत्थर दा बनिया हुई कोई बुत नहीं है, बल्कि परमात्मा मेरे अंदर है मेरे अंदर है। तो मेटिया गमन गुर दया ते पाया अब विसराम, अनेक जतन दुख पाई कर आए गुर की साम। बहुत दुख पा के गुरु दी शरण चाए ते शरण चाए ते सारे गम खत्म हो गए। रू कहिंदी हुण मैनू विसराम मिल गया, टिक के बह गई हुण रू, हुण उहदा इधर उधर उड़ना बंद हो गया क्योंकि सच नाल जुड़ गई। सो गुरु प्यारी सत्संग जी असी भी उस सच नाल जुड़ना है सच्चाई नाल जुड़ना है। पासा फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन जेहड़े विछड़े ते मिलो पे सो आत्म राम जन रविदास गुर भजन बिन नहीं अवर कुछ काम।
गुरु चरणों का ध्यान कर सुन बारा मासक उपदेश पढ़े सुने जो प्रेम कर होवे कल्याण हमेश जेहड़े बिछड़े ते मिलो राम जन रवदास गुर भजन बिन नहीं अवर कछ काम गुरु चरणों का ध्यान कर गुण बारामासक उपदेश पढ़े सुने जो प्रेम कर कल्याण हमेश जदो सतगुर की कृपा हुई एरुल सिमरन करके जिस तरह दही नू रिड़कन नाल मक्खन ऊपर आ जांदा है ठीक उसी तरह जदो ध्यान साधना दे नाल इदी चेतन सत्या शरीर तो सिमट के ऊपर जुड़ जांदी है ते उस मालक दे नाल इदा मिलाप हो जांदा है ते फिर कह उठदी है मेटिया गमन गुर दया ते जेड़े विछड़े तह मिले पासो आत्म राम जन रवदास गुर भजन बिन नहीं अवर कुछ काम रुजदो थे पहुंच गई तो कहिंदी जहते उपजी तै मिली सच्ची प्रीत समा जिथों मैं निखरी सी उथे ही मिल गई हां उथे ही पहुंच गई हां इरु सतनाम लोक दे विच्चों आई सी फिर सतनाम लोक विच पहुंच गई गुरु जी कहिंदे ने बस इंसानी चोला इसे लई ही मिले कादे ले पई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरी प्रभु दे नाल मिलन दा एक अवसर मिलिया सी टाइम मिलिया सी सतगुर दी अपार कृपा हुई मेरा मिलाप प्रभु दे नाल हो गया मेरा जीवन सफला हो गया गुर चरणों का ध्यान कर सुना बारा उपदेश पढ़े सुने जो प्रेम कर होवे कल्याण हमेश फगन महीने ते बारा महीने सपूर्ण हो जांदे ने इथे सतगुरु जी दे कहन दा भाव है कि ऐ इंसान बहुत सारिया जूना परमन तो बाद इंसानी चोले चाया है ते हुण जदो बारह महीनिया तो बाद फगन महीने आया ते फिर दोबारा चेतर तो शुरू होएगा इसी तरह जेड़े पुरानी अपने जिंदगी दे विच अपनी मंजिल नूं नहीं पाउंदे उह थल्ले डिग जांदे ने
उन्हां नूं दुबारा अपनी मंजिल वल वधना पैंदा है। सो गुरु प्यारी सत्संग च असी सतगुरु जी दे उपदेशां नूं जो 12वां उपदेश दित्ते ने उन्हां नूं अपने जीवन च अपनाना है, और जो गुरु जी ने सानू उपदेश दित्ते है उन्हां नूं मनना है। जो असी उन्होंने मन लवांगे साडा अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। सो असी सतगुरु जी दे चरणा च बस सारिया ने बेनती करनी है कि बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। है मेरे सतगुरु साडे ते कृपा करो, बख्शिश करो, असी तुहाडे बचना नूं अपने जीवन च अपना सकीए, ताकि असी अपने जीवन नूं स्वर्ग बना सकीए, ताकि असी अपना जीवन जन्म लेना किसी लेखे च ला सकीए। ये कृपा कर देना, ये बख्शिश कर देना। सो गुरु प्यारी सत्संग जीओ, सतगुर कृपा करन, ये फगन महीना आप सबना दे ले खुशियां महीन भरिया महीना होवे। आप जीवन च हमेशा तरक्कियां करो, आप दे परिवारां दी सतगुरु जी सुख शांति देवे और आपसी प्रेम ते प्यार बख्शे। सारियां संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव।